हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटो महल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं एक मॉडिफाइड सुजुकी गूस 350 सीसी। ये एक 350 सीसी वाली बाइक है जो कि इंडिया में नहीं मिलती, ये बाइक मिलती है बाहर में। और यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये एक कैफे रेसर के स्टाइल में मॉडिफाई किया है और इस गाड़ी को मॉडिफाई किया जैकब गैराज ने। देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि शायद आपने आज से पहले कभी भी इस तरह के कैफे रेसर शायद नहीं देखी हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी बाइक के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को इस बाइक में यूज किए गए कुछ पार्ट्स जैसे टायर्स वगैरह या हैंडल वगैरह अगर आपको परचेस करना है तो सिमिलर प्रोडक्ट के जो लिंक्स है वो मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये वाली बाइक देखिए, ये एक पुराने जमाने की सुजुकी गूस 350 सीसी कितनी सिंपल दिख रही है। और जो अभी आप लोग इसका वर्जन देख रहे हैं ये है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन जो कि यहाँ पे जैकब गैराज ने डिज़ाइन किया गया है। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी बाइक के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इसके स्टाइलिंग के बारे में। सो आप लोग देखिए किस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, पूरी बाइक का लुक ही चेंज हो गया है। सबसे पहले तो इसका फ्रेम देखिए किस तरह से उन्होंने फ्रेम का डिज़ाइन किया, जो ऊपर वाला फ्रेम है बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया गया है, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप से इन्होंने वेल्ड करके पूरी डिज़ाइनिंग की गई है और उस फ्रेम के ऊपर इन्होंने कस्टम मेड फ्यूल टैंक का भी लगाया गया है। इस बाइक में आपको काफ़ी सारे आफ्टर मार्केट एसेसरीज भी देखने मिल रहे हैं, जैसे कि इसका स्पीडोमीटर कंसोल देखिए, इसका हैंडल बार का साइड मिरर देखिए। और यहाँ पर जितने भी आपको प्रोडक्ट्स देखने मिल रहे हैं लगभग सारे के जो लिंक्स होंगे, जैसे टायर्स के अगर आपको परचेज करना है तो सारे टायर्स के भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसका आप लोग इंजन का डिजाइन देखिए, इंजन यहां पे पूरी तरह से स्टॉक है लेकिन यहां पे फ्रेमिंग इन्होंने पूरी तरह से न्यू तरीके से करी है। फ्रंट का जो हेडलैम्प है वो भी यहां पे चेंज किया है, काफी छोटा सा एक एलईडी हेडलैम्प का यहां पे इस्तेमाल किया गया है। पीछे का सस्पेंशन सेटअप देखिए, यहां पे मोनोशॉक जो सस्पेंशन सेटअप इन्होंने बनाया है ये किस तरह से इन्होंने यहां पे डिजाइन किया गया है आप लोग देखिए। जो पीछे के सीट वाला फ्रेम मैं बात कर रहा था, किस तरह से उन्होंने एक एंगल लेके बिल्कुल छोटा सा एक सीट बनाया, बहुत छोटा है, बिल्कुल सिंगल सीटर बाइक है, ये डबल सीटर बाइक नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसको डिज़ाइनिंग की गई है। अभी आप लोग इस तरफ से देखिए तो बाइक का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और स्पेशली आप लोग इसका टायर्स का जो लुक आ रहा है ना वही यहाँ पर मेन है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी मोटे मोटे यहाँ पर टायर्स लगाए हैं जो कि डुअल स्पोर्ट्स के टायर हैं और ये आपको रेलको वगैरह के ब्रांड में मिल जाएंगे। और ऑलरेडी मैंने लिंक तो नीचे दिया है तो आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। फ्रंट का सस्पेंशन यहां पे अपसाइड डाउन सस्पेंशन और पीछे का मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप है, जिसके कारण यहां पे बाइक की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो यहां पे थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं जमीन से काफी ऊंची गाड़ी है। और क्योंकि यहां पे टायर्स भी बड़े बड़े हैं ऊपर से ये सस्पेंशन सेटअप के कारण बाइक की जो ओवरऑल हाइट है वो यहां पर इंक्रीज हो गया है। लेकिन डेफिनेटली इसको चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि एक तरफ से क्लिप ऑन हैंडल बार है और ऊपर से इस तरह की बाइक का जो लुक बहुत अल्टीमेट है। अगर मैं बात करूँ इसके कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, सो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने बिल्कुल सेम बिल्कुल सिंपल रखा है, जैसे ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और यही कलर इसको ज़्यादातर सूट भी कर रहा है क्योंकि देखेंगे अगर जो नीचे का ओवरऑल पोर्शन है वो पूरी तरह से यहाँ पर ब्लैक है और सिर्फ ऊपर वाला जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पर ग्रे रखा गया है, तो इसमें आपके कॉस्ट भी बचता है और आपका लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अगर आप सभी लोग को भी कलर पसंद है तो प्लीज़ ना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, या आपको जो भी इस बाइक में पसंद आ रहा चीज़ वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, जो पसंद नहीं आ रहा है वो भी आप लोग यहां पे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। उसके अलावा एक चीज यहां पे इंटरेस्टिंग मुझे काफी ज्यादा लगी वो था इसके जो स्पीडोमीटर कंसोल था, जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखिए इन्होंने किस तरह से प्लेसमेंट किया, थोड़ा सा हवा में है, यूजुअली लोग इसको हैंडल बार के अंदर रखते हैं पर यहां पर प्लेसमेंट काफी अलग ढंग से किया गया है। उसके अलावा यहां पीछे में जो सीट में आप लोग होल्स देख रहे हैं ये इसका टेल लैंप है, मतलब यहां पर जो पीछे का जो टेल लैंप है वो सीट के अंदर ही है और जब ब्रेक लाइट आप दबाएंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर स्ट्रिप लगाते हैं तो यदि आप लोग अपने सीट के अंदर ही इस तरह के टेल लैंप लगाएंगे तो शायद लुक बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग जाएगा। अभी आप लोग इस दोनों तरफ के प्रोफाइल से देखिए गाड़ी को किस तरह से लुक आया है, और यहाँ पर जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो भी यहाँ पर अपग्रेड किया गया है, यहाँ पर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है जो कि एमटी वाला है, और ये भी इसका भी लुक देख रहे हैं काफ़ी छोटा सा एग्जॉस्ट है, लंबा एग्जॉस्ट नहीं लगाया गया है, और आप लोग देख सकते हैं इसका एक ओवरऑल लुक किस तरह से यहाँ पर देखने में लग रहा है। अगर मैं बात करूँ फ्रंट के बारे में, तो यहाँ पे फ्रंट में आप लोग फेंडर देखिए, इन्होंने कस्टम मेड किस तरह से फेंडर की फिटिंग की गई, काफ़ी छोटा सा फेंडर है, और जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ यहाँ पे फेंडर्स वगैरह काफ़ी छोटे होते हैं, ये डेली पर्पज़ की बाइक नहीं होती, क्योंकि अगर आप बड़ा सा फेंडर बना देंगे तो आपका टायर का जो ओवरऑल लुक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मेनली टायर प्रोफाइल का लुक दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ पर छोटा सा फेंडर डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट सस्पेंशन में आप लोग देख सकते हैं नॉर्मली अपसाइड डाउन सस्पेंशन दिया गया है, वो भी पूरी तरह से ब्लैकआउट यहाँ पर चेंज किया गया है। यहाँ पर एयर फिल्टर भी लगाया गया है जो कि आप लोग यूजली हर एक कस्टम
कस्टम बाइक में देखते ही हैं, जिसके कारण जो एग्जॉस्ट साउंड होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक का डिज़ाइन देखिए, इसका फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मुझे लगता है ये शायद कस्टम मेड फ्यूल टैंक शायद नहीं है, मे बी शायद किसी दूसरे बाइक से लिया गया, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन देखिए वो थोड़ा सा अलग ढंग से लग रहा है। मतलब जो फ्रेम है फ्रेम से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रहा है, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे लगता है मुझे किसी दूसरे बाइक का, लेकिन जिस भी बाइक का है इसका फ्यूल टैंक काफ़ी बड़ा काफ़ी बोल्ड है और बाइक की जो स्टाइलिंग में डेफिनेटली यहाँ पे सूट ज़रूर कर रहा है। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा, उसको पीछे का जो फ्रेम है, इन्होंने जो सीट डिज़ाइन की है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और आप लोग गैप देखिए, सीट और टायर के बीच में गैप देखिए कितना ज़्यादा गैप है, मतलब इस बाइक को चलाने के लिए आपको थोड़ी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, अगर आपकी हाइट छोटी है तो शायद आप इस बाइक को उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फ्रंट का एलईडी हेडलैम्प का प्लेसमेंट देखिए, यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार इन्होंने किस तरह से वेल्ड किया है, ध्यान देखिए किस तरह से इन्होंने क्लिप ऑन हैंडल बार को डायरेक्टली यहाँ पे वेल्ड किया है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्क इन्होंने किया है। सो ये था दोस्तों आप सभी लोग के लिए एक मॉडिफाइड सुजुकी गूस 350 सीसी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये मॉडिफिकेशन पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वाला मॉडिफाइड सुजुकी गूस 350 सीसी, है ना काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि आज तक आप सभी लोगों ने जितने भी कैफे रेसर देखे होंगे काफी लो राइड वाले कैफे रेसर देखे होंगे, पर ये वाली जो कैफे रेसर थी ये कुछ अलग ढंग की थी, थोड़ा स्क्रैम्बल्ड वाला भी यहाँ पे फील आ रहा था। अगर आप सभी लोगों को भी इस तरह का लग रहा है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और ये भी जरूर बताएगा कि आप सभी लोगों को कैसा लगा ये मॉडिफाइड सुजुकी गूस 350 सीसी, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ इस प्रोजेक्ट से भी सीखने मिला होगा। और अगर आप सभी को कुछ ऐसा लगता है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और दोस्तों अगर आप सभी को इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज एक बार मेरे चैनल आप लोग चेकआउट कर लीजिए, मैं अपने चैनल में आप सभी को मॉडिफिकेशन के ऊपर काफी सारे वीडियोस में डालता हूँ, बजाज पल्सर होंडा शाइन स्प्लेंडर के ऊपर मैंने काफी सारे कस्टमाइजेशन डाले हैं, एक बार आप चेकआउट करिए, पसंद आए तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।